तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब एक दिन और हमें कल इस साल की मोस्ट मच अवेटेड मूवी, सिर्फ इस साल की नहीं पिछले एक डेढ़ साल से जो लोग वेट कर रहे हैं, सालार, जो 28 सितंबर को आ जानी थी, जो पहले भी आ जानी थी लेकिन पोस्टपोन होती गई, इसके लिए बार बार लोग वेट करते गए। प्रभास के कमबैक के लिए लोगों ने आदि पुरुष जैसी डिसास्टर मूवी तक देख डाली कि भाई चलो ठीक है, इतने टाइम बाद बाहुबली 2 के बाद हमें कोई ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा कि जहां से प्रभास का सॉलिड कमबैक हो जाए। लेकिन आदि पुरुष एज यूजुअल जितना एक्सपेक्ट करा गया उससे कहीं ज़्यादा नीचे वाली मूवी लगी। भाई साहब कह भी नहीं सकते, बहुत ही बेकार रद्दी मूवी थी। लेकिन सालार के लिए बहुत वेट है, फैंस जबरदस्त तरीके से वेट कर रहे हैं। रोजाना ये मूवी को भी आने के लिए लगभग 22 से 23 दिन है। रोजाना ट्विटर पे फाड़ के ट्रेंड चल रहा है और सालार के मेकर्स का प्रमोशन करने का तरीका अलग चल रहा है। ट्विटर पर सालार के ट्रेलर के लिए एक जबरदस्त ट्रेंड चलाया जा रहा है, सालार ब्लड बाथ ऑन 1st December। एनिमल का क्या था कि चलो ठीक है, उनके मेकर्स ने बोला कि भाई हम वॉयलेंस का मतलब समझा देंगे, लेकिन ये लोग ट्रेलर से ही ये जताना चाह रहे हैं कि वॉयलेंस का पाप लाने वाले हैं। एनिमल के ट्रेलर ने ना एक कहानी बड़ी खराब करती दिखी है या फिर एक कहानी बड़ी अच्छी भी करते दिखी है। अगर एनिमल के ट्रेलर से सालार का ट्रेलर फाड़ निकल गया, क्योंकि दोनों का कंटेंट बिल्कुल मैचअप है, मास वॉयलेंस ब्रुटैलिटी खून खराबा को दोनों सपोर्ट करते हैं, एनिमल की मूवी भी एंड सालार मूवी भी, तो एनिमल के ट्रेलर ने भैया अपना प्रूफ दे दिया कि हमारे पास ये होने वाला है। उसके बाद जब 1st December को कल एनिमल मूवी आ जानी है, पॉजिटिव रिव्यू ही आएंगे, लोगों के मुंह में जबरदस्त खून लग जाएगा। ठीक है, वही चीज़ अगर सालार में देखने को मिल गई दोबारा से, एनिमल के ट्रेलर के मैचअप खा गया सालार का ट्रेलर, तो थोड़ा सा कहानी गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि एक चीज़ प्रशांत नील ने, सालार के मेकर्स ने और रिवील आउट कर दिए कि भाई साहब नो KGF कनेक्शन, देर इज ओनली प्रभास एंड ओनली प्रभास, देर इज नो कैमियो। आई डोंट नो कि कैमियो है कि नहीं है, बट यश को, रॉकी भाई को इतना ज़्यादा बूस्ट नहीं करा जा रहा है, KGF यूनिवर्स का कनेक्शन नहीं बिठाया जा रहा है। सोलो मूवी होने वाली है, प्रभास को डेडिकेट करके उन्हीं को इंट्रोड्यूस करा जाएगा। हु नोज आगे जाके ये कॉम्बो कैमियो सेट हो जाए, आगे जाके KGF यूनिवर्स में ये कहानी मिल जाए, लेकिन फिलहाल तो सालार के लिए प्रभास को ही एज मेन पिलर यूज करा जा रहा है। प्रशांत नील ने सीधा सीधा क्लियर कर दिया है कि देर इज नो कनेक्शन ऑफ KGF यूनिवर्स। तो भाई साहब अब यहाँ पर ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त देखने वाली होगी कि अगर इनके ट्रेलर में वॉयलेंस की वो बात होगी जैसे एनिमल की मूवी में थी, ब्रूटैलिटी ब्लड खून खराबा, अगर उससे बढ़कर थोड़ा और मिल गया तो सालार फाड़ के जाने वाली है। वरना अगर एनिमल, क्योंकि एनिमल ने जो हाइप सेट कर दी है यहाँ सेट कर दी, अगर ये वाली हाइप यहाँ पर ये मैच कर गए तो ठीक है, सालार निकल जाएगी आगे, क्योंकि सामने डंकी है। अगर सालार सोलो रिलीज भी होती और एनिमल के ट्रेलर से चलो थोड़ा सा नीचे भी मिल जाता तो फिर भी लोग देखते, लेकिन सामने डंकी है, फुल फैमिली कंटेंट है। सालार के ट्रेलर को ए रेटिंग की सर्टिफिकेशन मिली है, सालार को ए रेटेड मिला गया है। मूवी को मिले ना मिले आई डोंट नो, लेकिन हाँ अभी ट्रेलर को ए रेटेड दिया गया है। इट मीन्स ये कि फुल एडल्ट कॉन्टेंट, फुल वायलेंस भर भर के मिलने वाला है। तो देखना ये दिलचस्प रहेगा, क्या एनिमल को मैचअप कर पाएगा। मैचअप नहीं, एनिमल से ऊपर निकलनी चाहिए, क्योंकि एनिमल से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, इन्होंने एक्सपेक्टेशन से भी 100% का ज़्यादा दिया है। तो सालार के लिए तो भाई बहुत वेट है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद टीजर में इन्होंने कुछ रिवील आउट भी नहीं किया था, जबकि एनिमल के मेकर्स ने टीजर में बहुत कुछ रिवील कर दिया था। बावजूद इसके जब ट्रेलर हमने देखा तो फिर भी बहुत ऊपर के लेवल का लगा। टीजर के बाद भी हमें ट्रेलर में देखने को लगा भाई साहब कुछ नया ही देख रहे हैं और हमें एनिमल में बहुत कुछ मिलने वाला है, ये वाला मोमेंट सेट करके गया है एनिमल का ट्रेलर। तो सालार का ट्रेलर क्या ये हाइप सेट कर पाएगा? अगर सेट कर गया तो डंकी को फाड़ डालेगा, फाड़ तो नहीं, मतलब जो 1000 करोड़ का एंजम्सन चल रहा है वो साइड टचअप कर जाए, लेकिन डंकी फुल फैमिली कॉन्टेंट होने वाली है। राजकुमार हिरानी का नाम जुड़ रहा है, शाहरुख खान जो 2 EMI अपनी फाड़ के दे चुके हैं 1000 करोड़ की पठान जवान के साथ, वो फीडबैक उनके पास है। तो देखा जाएगा क्या होता है, कितना वेट है क्या नहीं है, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी एनिमल के ट्रेलर से क्या फाड़ लेवल का ट्रेलर होने वाला है नहीं होने वाला है, जो भी आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मिलते अगली वीडियो में, चाहिए।